हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नो के कोर्स BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स ये बुक करवाऊंगी। गाइस, इस बुक में आपके पास में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, जिसका फर्स्ट ब्लॉक का आज मैं आपको यूनिट 3 करवाऊंगी, लैंग्वेज एंड सोसाइटीज़ 1 अंडरस्टैंडिंग वेरिएबिलिटी। और इसमें आज हम इसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। वैसे ऑलमोस्ट मैं इस टॉपिक का करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे गाइस कास्ट वेरिएशन। ये वीडियो गलती से मुझसे डिलीट हो गई और मैंने ना जो पहले वीडियो अपलोड करी थी वही वीडियो अपलोड कर दी, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आई। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन आज मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ। आज हम टॉपिक करेंगे कास्ट वेरिएशन। जो भी लैंग्वेज में वेरिएशन आती है हमारी सोसाइटी में, वो बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से वेरिएशन आती हैं। आज हम उसका ही एक कास्ट वेरिएशन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सोशल क्लास वेरिएशन करवाई थी, चेक योर प्रोग्रेस 4 तक मैंने कम्प्लीट करवा दिया था। जब हम कास्ट की बात करते हैं तो इसको जाति या वर्ण कहा जाता है, और एक मोस्ट प्रोमिनेंट सोशल वेरिएबल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लैंग्वेज में वेरिएशन के लिए। अब जो ये कास्ट वेरिएशन है गाइज, ये एक तरीके से हेरिडिटी में भी आता है। कास्ट सिस्टम इज़ अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ हायरार्की वेयर एन इंडिविजुअल बॉर्न विद अ सर्टेन कास्ट डिसाइडिंग, मतलब कि हर कोई ना एक सर्टेन कास्ट के साथ में बर्थ लेता है, बॉर्न होता है, जो उसके स्टेटस को बाय बर्थ ही डिसाइड कर देता है। अब जो लोग हाई सोसाइटीज़ के होते हैं उनको प्योरिटी, और जो लो कास्ट के लोग होते हैं उन्हें अनटचेबिलिटी और पॉल्यूशन, मतलब कि बहुत ही छोटी नज़रों से देखा जाता है। अब जो हाई क्लास की सोसाइटी के लोग होते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। भले उन्हें कुछ आए ना आए, उन्हें हर चीज़ में इंपॉर्टेंस दी जाती है, हर तरीके से उनको एक प्योर सोसाइटी में माना जाता है। लेकिन वहीं जो भी आपके लोअर सोसाइटीज़ होती हैं, लोअर कास्ट सोसाइटीज़ होती हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनके साथ जो ट्रीट किया जाता है बहुत गंदे तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। एंड सेकेंड वन इज़, उनसे काम भी ऐसे ही करवाए जाते हैं जो हाई क्लास की सोसाइटीज़ के लोग नहीं करते। अब जो सोशल क्लासेस हैं वो वेल्थ, मतलब पैसे के बेसिस पे, पावर और सोशल स्टेटस के बेसिस पे डिफरेंस उनमें आ जाता है। नाउ यहाँ पे ना कुछ कास्ट हैं जो कि यहाँ पे बता रखा है, जो राजस्थान है ना, वहाँ के एक विलेज में टोटल 31 कास्ट में उसको डिवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो बता रखा है, जो ब्राह्मण कास्ट है ना उसको हाईएस्ट रैंक में बोला जाता है। और ये पहले के टाइम से चीज़ चली आ रही है, क्योंकि आपने शायद से कभी हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा कि जो गुरु होते थे ब्राह्मण वगैरह, वो सब इनको नॉलेज देते थे, ये चीज़ें पढ़ाते थे। तो इस वजह से जो ब्राह्मण कास्ट है ना उसको हायर कास्ट बोला जाता है। और उसके अलावा फिर ब्राह्मण के बाद में आते हैं राजपूत, फिर वैश्याज, और देन उसके बाद में लोअर कास्ट, जिसको हम चमार या भंगी कहते हैं, इनको लोअर कास्ट में डाला गया है। कास्ट कोई मैंडेटरी नहीं होती है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने इसको क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से लैंग्वेज में वेरिएशन आपको देखने को मिलती है। नाउ यहाँ पे ना हाई कास्ट है और ये लो कास्ट है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको बोला जाता है कि हाई कास्ट में उसका प्रोनंसिएशन क्या होगा और लोअर कास्ट में उसका प्रोनंसिएशन क्या होगा। यहाँ पे एग्जांपल मैं मीनिंग का दे देती हूँ। जैसे मीनिंग एक वर्ड है, हाई कास्ट में लोग इसको मतलब बोलते हैं तो लो कास्ट में इसको मतबल बोला जाता है। बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोनंसिएशन दे रखा है कि जो लैंग्वेज में वेरिएशंस आती हैं वो कास्ट के बेसिस पे कैसे आती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, और भी बहुत तरीके से जो वेरिएशंस है ना ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण्स और बाकी जो कास्ट है उनके अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे क्या है, जो ब्राह्मण्स होते हैं ना वो यूजुअली क्या यूज़ करते हैं, संस्कृत डेरिवेटिव्स को। हर वर्ड्स में उनके संस्कृत होती है, क्योंकि उन्हें ग्रंथ वगैरह की और संस्कृत की काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। लेकिन जो नॉन ब्राह्मण होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ब्राह्मण है और ये नॉन ब्राह्मण है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसका आपको प्रोनंसिएशन दे रखा है कि अगर कोई ब्राह्मण होता है तो उसको ऐसे बोलता है, और नॉन ब्राह्मण है तो उसको इस तरीके से बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे ना इनके बहुत अलग सी है, लेकिन मैं ट्राई कर लेती हूँ। जैसे शुगर वर्ड है, ब्राह्मण होते हैं ना वो जीनी बोलते हैं, और जो नॉन ब्राह्मण होते हैं वो चीनी बोलते हैं, चीनी या जो भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या है, प्रोनंसिएशन आपको दे रखी है कि लैंग्वेज में वेरिएशन किस अकॉर्डिंग आती है। इसके बाद में गाइज आप इसका चेक योर प्रोग्रेस 5 देखिए। चेक योर प्रोग्रेस 5 क्या कहता है, आपको ये जो ऊपर डायग्राम में ये जो वेरिएशंस दे रखी है ना वर्ड्स की, इस पेज पे ये वाली, और जो आपको यहाँ पे जो वेरिएशंस गिवन है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद में ये बताना है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो यहाँ पे वेरिएशंस हैं, ये किस बेसिस पे आई हैं। तो जो लैंग्वेज वेरिएशन है ना वो किस चीज़ के, या तो साउंड के या फिर प्रोनंसिएशन के। जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं ना, उनका स्पेलिंग सेम है लेकिन उनको बोलने का तरीका अलग है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड्स है, देखिए मतलब और मतबल तो वर्ड एक ही है ना, लेकिन इसको बोला अलग अलग तरीके से जा रहा है। अब यहाँ पे बैंगन और बैंगन, तो ये क्या है, ये वर्ड्स एक तरीके से हैं लेकिन इनको बोला अलग तरीके से जा रहा है। तो फर्स्ट वेरिएशन कैसा है, साउंड और प्रोनंसिएशन के बेसिस पे। और जो उसके बाद में आई, उसके अलावा जो वेरिएशन आई वो कंप्लीट वर्ड डिफरेंट था। जैसे यहाँ पे देखिए,
ये क्या है तुंगू और ये क्या है ओरेंगू। तो ये वर्ड्स की स्पेलिंग और जो प्रोनंसिएशन है वो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज में वेरिएशन है वो दो तरीके से आई, एक तो साउंड या प्रोनंसिएशन के बेसिस पे या फिर वर्ड्स के बेसिस पे, जिन्होंने इसको बिल्कुल कम्प्लीटली अलग कर दिया। इसके बाद में गाइस कास्ट वेरिएशन के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में आता है वो है एथनिक वेरिएशन। एथनिक वेरिएशन क्या होता है? दीज वेरिएशन आर सीन इन कंट्रीज वेयर देयर इज़ एन इमिग्रेंट पॉपुलेशन। मतलब कि क्या होता है कि हम ना दूसरी पॉपुलेशन या दूसरी जो कंट्री के लोग हैं ना हमारी कंट्री में आ जाते हैं या हम लोग यहाँ से वहाँ दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं। तो अब वजह वो बहुत सारे सोशल फैक्टर्स भी वर्क कर सकते हैं, ट्रेड भी हो सकता है, या फिर वहाँ जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर खाने की फैसिलिटीज़ नहीं है, या फिर किसी वजह से कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है तो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट कर जाते हैं। सो ये जो है ना, ये जो वहाँ की जो डोमिनेंट या जो मेजॉरिटी लैंग्वेज होती है वो लोगों को सीखनी पड़ जाती है और वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। सो ये चीज़ क्या होती है? एथनिक वेरिएशन। एथनिक वेरिएशन क्या होता है? एक डायलेक्ट होता है। डायलेक्ट का मतलब होता है दो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज आर टिपिकली लर्न बाय एक्सपोजर और आर इन अ वे कनेक्टेड टू इनहेरिटेंट एट्रीब्यूट्स। मतलब वहाँ के लोगों से घुलने मिलने के लिए और जो आपकी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एरिया की एक लोकल लैंग्वेज होती है। एक बॉर्डर के साथ में ही लैंग्वेज चेंज होती जाती है। हर स्टेट में भी थोड़े थोड़े किलोमीटर्स पे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि कुछ अफ्रीकन अमेरिकन है तो यहाँ पे कुछ जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, आर को बिल्कुल गायब करते हैं। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं उन्होंने डोर को डो बोला, पुअर को पो बोला। तो ये कुछ प्रोनंसिएशन आपको दे रखे हैं। इसके बाद में कुछ जो डबल कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको सिंगल कॉन्सोनेंट में बोलते हैं, जैसे वॉक्ड वॉक, सोल्ड का सोल। इस तरीके से वर्ड्स का प्रोनंसिएशन हो जाता है। तो आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को देख सकते हैं। बट गाइज ये जो एग्जांपल्स हैं ना ये सिर्फ आपको पढ़ने में ऐसे लग रहे होंगे, एक्चुअल में जब हम फ्लुएंसी के साथ में इन वर्ड्स को बोलते हैं ना या सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखता है और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर से ही दिखते हैं। इसके अलावा क्या बोला गया है इसमें कि कुछ वर्ड्स में ना जो थर्ड पर्सन होता है उसमें कुछ वर्ड्स में एस को पूरी तरीके से गायब कर दिया गया। तो यहाँ पे ना एथनिक वेरिएशन के कुछ एग्जांपल हैं, आपको डेफिनेशन नहीं आती है, आपसे एग्जांपल पूछा जा सकता है। बाकी मैं आपको चेक योर प्रोग्रेस करवाती हूँ ना तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। एथनिक वेरिएशन के बाद में जो नेक्स्ट वेरिएशन आती है वो है पर्सनल वेरिएशन। पर्सनल वेरिएशन क्या होता है? इसके ऊपर ना सोशल फैक्टर्स वर्क नहीं करते। सोशल फैक्टर्स दैट लीड टू वेरिएशन, पर्सनल फैक्टर्स सच एज जेंडर। तो इसमें जो कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि जेंडर, जेंडर यहाँ पे बायोलॉजिकल सेक्स की बात नहीं है कि मेल है या फीमेल है, और इसके अलावा जो एज है, इन सब की वजह से जो ये आपको चेंज है या फिर ये जो वेरिएशन है लैंग्वेज में ये देखने को मिलेगी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक एज है, छोटा बच्चा है, उसकी बातें अलग तरीके से होंगी और जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है ना तो लैंग्वेज में मेच्योरिटी, वर्ड्स में मेच्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ये आपको एग्जांपल दे रखा है। पहले तो यहाँ पे ना आपको कंट्री वाइज एग्जांपल दे रखा है, फिर ऐसा वाला एग्जांपल दे रखा है जो मैंने आपको बताया एज वाइज, तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले हम थोड़ा सा ये बेसिस पे लैंग्वेज के एग्जांपल देखते हैं। लाइक जापानीज जो होते हैं ना उनकी जो मैन और वीमेन है ना जेंडर बेसिस पे मैं अभी आपको डिफरेंस बता रही हूँ। तो जापानीज का एग्जांपल दे रखा है, उनमें मैन और वुमेन की बिल्कुल अलग तरीके से स्पीच होती है। कैसे? जो मैन वर्ड यूज़ करेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे वुमेन से, यहाँ पे आपको ये बता रखा है। तो कुछ यहाँ पे जेंडर डिफरेंसेस गिवन है, ये वुमेन बोलती है और ये मैन बोलती है। ये क्या है? कॉमन वर्ड्स हैं जो आपने सुने हैं, आई, मैं, मदर, माता, स्टमक का स्टमक मतलब पेट। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने सुने हैं। अब इसको जापानीज वुमेन इन वर्ड्स में प्रोनाउंस करेगी और जो जापानीज मैन होगा वो इनको इन वर्ड्स में प्रोनाउंस करेगा। तो ये एग्जांपल से आप अपने आंसर को बहुत एक्टिव बना सकते हैं क्योंकि एग्जांपल देना मैंडेटरी होता है। नाउ गाइस, अब एक ना जनरल परसेप्शन है कि जैसे आपने सुना होगा जो वीमेन है, फीमेल है, उसके लिए पिंक कलर ही है, जो मेल है उसके लिए ब्लू कलर ही है। तो इस तरीके के जो ये कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं ना, कॉन्ट्रोवर्शियल बातें होती हैं, सेम चीज़ इसमें बता रखा है कि जो एक जनरल परसेप्शन है कि जो वीमेन है ना वो क्लोथ्स की, बच्चों की ही बात करेगी, वहीं जो एक मैन है वो बात करेगा वोकैबुलरी की या फिर जैसे स्पोर्ट्स हो गए, कार्स, ऐसी रफ एंड टफ चीज़ों की बात हमेशा मैन ही करेगा। लेकिन ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आप इन पॉइंट्स को भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि इसमें बता रखा है जो वुमेन है ना वो वर्ड्स का यूज़ करेगी जैसे कि स्वीट, क्यूट, अडोरेबल, हमेशा ऐसे पोलाइट वर्ड्स का यूज़ करेगी, वहीं जो मैन है वो इतने पोलाइट वर्ड्स का यूज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स गिवन है जेंडर बेसिस पे, आप जो लैंग्वेज है पर्सनल वेरिएशन वो इस तरीके से आती है। आप यहाँ से पॉइंट्स को पिक करके अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आता है एज के बेसिस पे। तो ये क्या है? एक बहुत ही ऑब्जर्वेशन इसमें बहुत ईजी हो जाती है अगर आप में
आपने लाइफ का कुछ तजुर्बा है और एक टाइम आपको हो गया है, आपने काफ़ी जनरेशन देख ली हैं, तो आप ना बच्चे के बोलने के तरीके से और बड़े के बोलने के तरीके से ही बता देंगे कि सामने वाला कोई क्या कह रहा है और क्या कहने का उसका ट्राई है। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको बता रखिए, जो ओल्डर पीपल्स होते हैं, ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, वो यूजुअली ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जैसे गॉड ब्लेस यू, माई ब्लेसिंग्स आर विद यू, मतलब कि ब्लेसिंग्स देने के, आशीर्वाद देने के सेंस में। वहीं बच्चे में ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा टीनेजर्स में, और या फिर जो यूथ होता है, जो आपके यंग फ्रेंड्स हैं, उनमें भी आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। नाउ यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि जो व्हाट्सएप और इंस्टा वाली जो हमारी दुनिया है ना, उसमें ब्रदर को निक में ब्रो बोला जाता है, और जैसे कूल है, रियल है, लेजिटिमेट है, तो इसको इस तरीके से वर्ड्स का यूज़ हम करते हैं, मतलब एक्रोनिम को यूज़ करते हैं। ऑनेस्ट है तो उसको आपने टू बी ऑनेस्ट को TBH लिख दिया, तो ऐसे कुछ वर्ड्स का आप यूज़ करते हैं, जैसे गुड नाइट को GN लिख देते हैं ना, जैसे कुछ सेकंड्स बचा के पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन हमें शॉर्ट की हैबिट हो जाती है, तो ये एक्रोनिम्स को हम यूज़ करने लग जाते हैं एज के साथ में। बट एक टाइम के बाद में आप इसको यूज़ नहीं करते, मतलब कि ओल्डर एज में हम ये सब वर्ड्स को यूज़ नहीं करते, हम बहुत ही ठहराव के साथ में चीज़ों को बोलना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है, एज पैटर्न इज़ अ टिपिकल पैटर्न दैट इज़ बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक वेरिएशंस एंड डिस्क्राइब्स द चेंज इन द स्पीच ऑफ इंडिविजुअल एज दे गॉट ओल्डर। जैसे जैसे बड़े होते हैं, जो हमारा लिंग्विस्टिक वेरिएशन होता है या जो स्पीच में चेंज आता है, वो आते हुए आपको देखने को मिल जाता है। नाउ गाइज, इस टॉपिक के बाद में आपके पास में आता है चेक योर प्रोग्रेस 6। इसमें देखिए, जो चेक योर प्रोग्रेस आपको गिवन है, इसमें आपको ऐसे ना क्वेश्चन दे रखा है, आप अपने इसको बिहाफ पे कर सकते हैं। आपको अपने आसपास के कुछ ओल्ड पीपल्स जो ओल्ड एज में हैं और कुछ यंग लोगों की बातें मैच करनी है, और जो स्पीच है उनमें आपको डिफरेंस लिखना है। ये मुझे ऐसा क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आने की होप नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पर्सनल वेरिएशन में जेंडर और एज के बेसिस पे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो है रजिस्ट्रार। अभी तक ना हमने बहुत सारी वेरिएशंस को, लैंग्वेज की वेरिएशंस को देख लिया है, जैसे कि कुछ सोशल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कोई रीजन है जहाँ से वो बिलोंग कर रहा है, उसकी कास्ट, एज एंड सो ऑन, सेक्स, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब जो हमारी जो वेरिएशन है ना, वो आती है कुछ सोशल सिचुएशन के बेसिस पे, या फिर आप कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी। अब बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना, इसमें वर्क करते हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो किस तरीके से बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने कलीग से बात करते हैं, मतलब कि आपका बैचमेट है, कलीग है, तो आप उससे ना वर्क से रिलेटेड बात करेंगे, और जो लैंग्वेज है या जो वर्ड्स है उनका बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ होगा। वहीं अगर आप फैमिली से बात करते हैं, तो आप नॉर्मल होकर बात करते हैं, इनफॉर्मल वे में बात करेंगे, तो वर्ड्स आपके अलग हो जाते हैं। अगर मतलब कि जो वर्ड्स है ना, ये जो लैंग्वेज में वेरिएशन है, ये डिपेंड करती है कि सामने वाले के साथ आपका रिलेशन किस तरीके का है, आप उसके साथ में किस तरीके के रिलेशनशिप में हैं। नाउ इसमें क्या है, आप अपनी फैमिली के साथ में हैं तो आप इनफॉर्मल होते हैं, वहीं अगर आप कलीग्स के साथ में, बॉस के साथ में, तो आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल होते हैं। कलीग्स के साथ में फिर भी कम फॉर्मल होंगे, लेकिन वहीं बॉस के साथ में आप बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ना कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, अगर वाइफ के साथ में है तो आप क्या बोलेंगे, हरी अप, वी विल बी लेट, जल्दी करो हम लेट हो जाएंगे। आपने ऐसे बोला, कलीग्स को क्या बोलते हैं, इट्स टाइम वी लेफ्ट, वी विल बी लेट फॉर द मीटिंग, मतलब कि अब ये टाइम हो गया है कि अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं गए तो हम मीटिंग के लिए क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो इस सेंटेंस में क्या है गाइस, कि थोड़ा बहुत ऑर्डर भी है और थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट भी है, लेकिन फर्स्ट वाले में आपने एक क्लियर कट डिसीजन बता दिया है, ऑर्डर दे दिया है। एंड नेक्स्ट अगर आप बॉस से बात करते हैं, तो वो एकदम प्रॉपर रिक्वेस्ट होती है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आपको पता है कि आप उनके पास में ऑर्डर नहीं चला सकते, तो आपका जो प्रोनंसिएशन है, वर्ड्स में जो पोलाइटनेस है, वो बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप किसके साथ में कैसे रिलेशन में हैं, तो उसके बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ डिफरेंस इन फॉर्मेलिटी ऑल्सो अकर्स इन, अब जो ये फॉर्मेलिटी है, लैंग्वेज में वेरिएशंस है, ये सिर्फ आपको बोलने के पर्पज़ से नहीं, रिटर्न में भी आपको देखने को मिलेगी। बचपन से वैसे लेटर्स वगैरह लिखते लिखते ही आप बड़े हुए होंगे, जिसमें आपने फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स को पढ़ा होगा। एक लेटर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, आप अपने कलीग्स को लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, तो उसमें सारी चीज़ें आपको ये समझ आ गई होंगी। नाउ गाइस, इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, जैसे कि कुछ स्टैटिक पोर्शन होता है, स्टैटिक मतलब फिक्स चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, या फिर जैसे कुकिंग है, पॉलिटिक्स है, कुछ ऐसी बुक्स हैं, तो इनमें क्या होता है, फॉर्मल वे ही होता है, क्योंकि कोई भी किसी भी तरीके का इंसान पढ़े तो उसमें यही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी हुई मिलती हैं। इसमें कुछ वर्ड्स पर इतना जोर नहीं होता है, इसमें मतलब कि वेरिएशंस कम आती हैं, इसमें आपको ऑलमोस्ट सेम तरीके के पैटर्न के साथ में ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि
ये जो चीज़ें होती है ना, इनका मेन मोटो होता है आपको इन्फॉर्मेशन देना उस चीज़ से रिलेटेड जो आप पढ़ रहे हैं। नाउ जो लैंग्वेज है ना वो रिटन पर्पज़ से और स्पोकन पर्पज़ से दोनों तरीके से वेरी करेगी। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल रिटन लैंग्वेज आर फॉर्मल देन द स्पोकन इंग्लिश। जो रिटन लैंग्वेज होती है वो फिर भी ज़्यादा फॉर्मल होती है एज़ कम्पेयर टू फॉर्म स्पोकन, क्योंकि जब आप स्पोकन जब आप कुछ बोलते हैं तो उस टाइम पर आपके फेस एक्सप्रेशंस और आपका मूड स्विंग सब कुछ उसमें शो हो जाता है, लेकिन रिटन में ये सब चीज़ें आपको नहीं दिखती। रिटन में जो भी दिखता है वो आपके वर्ड्स पर ही फोकस होता है। नाउ यहाँ पे क्या है, जो माइकल हैलिडे हैं इन्होंने 3 types ऑफ डायमेंशंस बताई थी। फर्स्ट वन इज़ फील्ड, सेकंड वन इज़ मोड एंड नंबर 3rd इज़ टेनर। तो फील्ड का मतलब क्या होता है, क्या पर्पस होता है बोलने का। मोड का मतलब होता है किस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से आप बोल रहे हैं। एंड जो टेनर होता है ये होता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उससे आपका क्या रिलेशन है। बॉस है फॉर्मल हो जाएंगे, अगर नॉर्मल फ्रेंड्स हैं कलीग्स हैं तो आप बहुत नॉर्मल तरीके से उनसे बात करेंगे। यहाँ पे आपको 2 linguistics के नाम दे रखे हैं, एक है माइकल हैलिडे और एक है डेल हाइमस। तो दोनों के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इन्होंने जो माइकल हैलिडे थे इन्होंने रिलेशनशिप भी दिया था बिटवीन पार्टिसिपेंट्स और सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्वर्सेशन। तो गाइस ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए चेक योर प्रोग्रेस 7 गिवन है आपको ना, 3 examples देने हैं लैंग्वेज वेरिएशंस के, जो कि आप अपने रिलेशनशिप के बेसिस पे बताएंगे। मतलब कि आप किसी से बात कर रहे हैं उससे आपका क्या रिलेशन है, वो आपका क्या लगता है या क्या लगती है, उसके बेसिस पे आपको ये आंसर्स देने हैं। आप आंसर्स इस आंसर की हेल्प के लिए आप इन एग्जाम्पल्स की भी हेल्प ले सकते हैं, आप इसको पढ़ के और इस आंसर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो ये लेट सम अप हो गया और आपका ये जो यूनिट है यूनिट 3 पूरी तरीके से कम्प्लीट हो गई है। और आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने इसका रिपीटेड वीडियो डाल दिया, लेकिन इस बार मैंने बिल्कुल ठीक वीडियो डाली है। और देखिए ये जो लैंग्वेज एंड सोसाइटीज़ 1 अंडरस्टैंडिंग वेरिएबिलिटी है ये पूरी कंप्लीट हो गई है और अब आपका वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आपको गाइस ब्लॉक 4 मैं करवाऊँगी और ब्लॉक 4 का यूनिट 3 हम करेंगे। बाकी की यूनिट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और अब अपना ध्यान रखिए और अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच।